दोस्तों 2023 तो खत्म हो गया है, अब नए साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। होप ये साल आपके और आपके परिवार के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई कुछ बेहतरीन मूवीज के बारे में, जिनमें हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और पैन इंडियन मूवीज भी शामिल है। आप इस वीडियो को एक तरह से 2023 का बेस्ट मूवीज का रिविजन भी कह सकते हो। इस वीडियो में बताई सभी मूवीज अपने कमाल की स्टोरी के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई की है। और सबसे पहले किसी भी मूवी का नाम ले, उससे पहले हम एसआर के सर का नाम लेंगे, क्योंकि 2023 ये पूरा साल इन्हीं का ही तो रहा है, जहां इनकी तीन मूवीज रिलीज हुई और तीनों के तीनों ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिनमें जवान इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी साबित हुई है। लेकिन इस वीडियो में हम 2023 की बेस्ट मूवीज की बात कर रहे हैं, और एसआर के सर की तीनों मूवीज में सबसे बेस्ट जवान थी। इसे डायरेक्ट किया है एटली सर ने, और इसमें एसआर के सर के साथ साथ हमें नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स भी देखने को मिले हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ, और अगली बेहतरीन मूवी है OMG 2, जो सिक्वल है 2012 में आई ओ माय गॉड मूवी का। OMG 2 में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम जैसे स्टार्स अपनी कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं। एसआर के सर के अलावा 2023 में रणबीर कपूर ने भी अपनी मूवी एनिमल के साथ तबाही मचाई है, जिसे डायरेक्ट किया है कबीर सिंह जैसी कमाल की मूवी बनाने वाले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने। मूवी में रणबीर के अलावा रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी जैसे स्टार्स हैं। इस मूवी ने एडल्ट सर्टिफाइड और 3 घंटे से भी ज्यादा होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है। इसी तबाही के बीच एक बेस्ट और कमाल की एक्टिंग से सजी विकी कौशल की मूवी सेम बहादुर भी रिलीज हुई थी। एनिमल से क्लेश के कारण मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट रही, लेकिन स्टोरी से लेकर एक्टिंग तक पूरी मूवी कमाल की है। मूवी में विक्की कौशल के साथ साथ फातिमा साना शेख, सानिया मल्होत्रा जैसे स्टार्स नजर आए हैं। अगली मूवी है 2018, जिसका बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये एक मलयालम मूवी है जिसमें टोविनो थॉमस, तन्वी राम, आसिफ अली नजर आए थे। मूवी को जूड एंथोनी जोसेफ ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी को इस साल के ऑस्कर के लिए भी भेजा जाएगा। ऑस्कर से याद आया, इस साल की बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवी 12 फेल भी रिलीज हुई थी, जिसे विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है। मूवी में कमल की परफॉर्मेंस विक्रांत मेसी ने दी है, जिनकी तारीफ जितनी भी करूं उतनी कम है। उनके साथ मेधा शंकर, संजय बिश्नोई ने भी इस मूवी में अपना 100% दिया है। इस मूवी को भी इस साल के ऑस्कर में भेजा जा रहा है। आई होप एक तो जीत ले। कमल की मूवीज की बात करें और क्रिस्टोफर नोलन का नाम ना ले तो कैसे चलेगा, जिन्होंने 2023 की सबसे बेस्ट हॉलीवुड मूवी ओपेनहाइमर बनाई है, जो पक्का 3 से 4 ऑस्कर तो लेकर ही जाएगी, खास करके एक्टिंग के मामले में, जो कि किलियन मर्फी लेकर जाएंगे। उनके अलावा रॉबर्ट डोनी जूनियर भी है। उनके साथ मूवी में एमिली ब्लंट, फ्लोरेंस फ्यू, मैट डेमन और सारे हॉलीवुड के स्टार्स नजर आते हैं, वो भी छोटे मोटे रोल में, क्योंकि मूवी की स्टार कास्ट ही इतनी बड़ी है। इसी मूवी के एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी टॉम क्रूज स्टार मिशन इम्पोसिबल 7 Part 1 डेड रेकनिंग, जो 2023 की सबसे बेस्ट एक्शन मूवी है। हो भी क्यों ना, सारे एक्शन टॉम भाई ने खुद किए हैं, वो भी ऐसे वैसे एक्शन नहीं, खतरनाक और जानलेवा, जिन्हें बड़े पर्दे पर देखना एक अलग ही अनुभव था। मूवी को क्रिस्टोफर मैकक्वायरी ने डायरेक्ट किया है, और मूवी में टॉम क्रूज के साथ हेली एटवेल, रेबेका फर्गिसन, वेनेसा किर्बी, सिमोन पेज और इजे मोरेलेस अपनी कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं। स्टंट के लिए एक ऑस्कर तो टॉम भैया को तो मिलना ही चाहिए। और बेस्ट मूवी का नाम ले ही रहे तो इस साल अपने लियोनार्डो द कैप्रियो सर की किलर्स ऑफ द फ्लावर मून भी रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है मार्टिन स्कोर्सेसे ने, और इसमें लीड में है लियोनार्डो द कैप्रियो, लिली ग्लेडस्टोन, रॉबर्ट डी नीरो जैसे कमाल के स्टार्स। और इस मूवी में लिली ग्लेडस्टोन ने ऐसी कमाल की एक्टिंग की है, जिसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस साल का स्कोर तो वो लेकर ही जाएंगी। इस साल बहुत सारी कमाल की मूवीज रिलीज हुई थी, जिन्हें मैं एक एक करके बताता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इन सभी मूवीज में शामिल है सिर्फ एक बंदा काफी है, जोरम, विद्युथलय Part 1, चीथा, जिगरथंडा XX, सप्ताह सागरदा चे येलो साइड ए, सत्य प्रेम की कथा, रोकी और रानी की प्रेम कहानी, नेहरू, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, जॉन विक 4, सुपर मारियो ब्रोस जैसी कमाल की मूवीज शामिल है। तो दोस्तों, ये थी 2023 की कुछ कमाल की मूवीज। आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी, या इनके अलावा भी, आप हमें कमेंट कर बताइए। बाकी वर्स्ट मूवीज भी 2023 में रिलीज हुई थी, और उनके ऊपर भी एक अलग वीडियो आने वाली है। मिलते हैं
आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।